friends, welcome to Prisha's Yummy Basket. Today we are going to make white pasta. This is a very quick and easy recipe. Let's see the ingredients. 1.5 cup milk, 1 cup pasta, 1/2 cup sweet corns boiled, paneer 1/4 cup. This is optional. 1/4 spoon oregano, 1/4 spoon pepper, chopped onions, maida, 1 spoon namak, gravy mein dalne ke liye, red chili, 1 pinch, 1/4 teaspoon salt for boiling pasta, coriander for dressing, melted butter, 1/4 cup. So let's start making the pasta. हम लोग 1 कप पास्ता में 2 कप्स पानी डालेंगे। अब मैंने जो थोड़ा सा सॉल्ट किया था मैं वो डालूंगी और 1/2 स्पून ऑयल। अब हम लोग अपने पास्ता को 10 मिनट्स के लिए बॉईल करेंगे। ये हमारा पास्ता बन चुका है। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं काट कर। पास्ता आसानी से कट रहा है तो यानी ये बॉईल हो चुका है। हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है तो इसके पानी को हम लोग ड्रेन कर लेंगे। और इसको हम लोग फ्रेश वाटर से वॉश कर लेते हैं। अब हम लोग मैदा को हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब ये बाद में भी ग्रेवी में भुनेगी तो इसलिए अभी हम लोग थोड़ा ही भूनेंगे। हमारी मैदा भून चुकी है। अब हम लोग इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और गैस बंद कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे ताकि इसकी गांठें खुल जाए। अब हम लोग इसमें बाकी का भी दूध ऐड कर देंगे। अब हम ऑनियन को बटर में भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। प्याज भुनने लगी है तो इसमें अब हम लोग कॉर्न भी ऐड कर देंगे। नाउ वी विल पोर आवर मैदा मिक्सचर। हम लोग इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये हम लोग अभी हमारा पेस्ट गाढ़ा होना शुरू हो गया। मैं अपना बाकी सामान भी डाल दूं। अब हम लोग अपना पास्ता डाल दें।
अब इसमें पनीर डाल दीजिए और जब ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो आप गैस बंद कर दीजिए। हमारा पास्ता बन गया है, अब हम लोग इसको अपनी प्लेट में पोर कर लेते हैं। अब हम लोग कोरिएंडर से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे